सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब खबर झाबुआ से। जिला कलेक्टर का काबिले तारीफ का कार्य, खुशियां बांटने से बड़ा कोई धर्म नहीं। कम्बल बैंक का शुभारंभ रिबन काट कर किया। कड़ाके की ठंड से राहत के लिए जो लोग अस्पताल के निकट बस स्टैंड के सराय में रात्रि बिताते हैं, उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला अस्पताल एवं बस स्टैंड झाबुआ में रोटरी क्लब, आजाद, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं नगर पालिका झाबुआ के जन सहयोग से कम्बल बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती मिश्रा भी उपस्थित थी। जो लोग अस्पताल के निकट बस स्टैंड में रात गुजारते हैं, उन्हें रात्रि में कम्बल दिए जाएं। टीम रात्रि में भ्रमण कर यह देखे कि जो लोग बाहर सो रहे हैं, उन्हें रैन बसेरा में लाकर ठहराया जाए। लोगों को सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कम्बल बैंक जिला अस्पताल एवं बस स्टैंड की सराय में खोला गया है। रोटरी क्लब, आजाद, रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर पालिका के संयुक्त भागीदारी से किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा कम्बल पात्र लोगों को देकर कम्बल बैंक का शुभारंभ किया। इस अभिनव पहल की सभी ने तारीफ की। इस अवसर पर अनुभागीय अधिकारी एलएन गर्ग, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपीएस ठाकुर, सिविल सर्जन बीएस बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एलएस डोडिया, रोटरी क्लब आजाद के अध्यक्ष संजय काठी, अजय रामावत एवं मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।